बहुत अच्छा, बारिश होने लग गई है काफी तेज। आ रही है मिट्टी की। हाँ, अच्छी लगती है आपको? हाँ। और देखो मेहनती इंसान अपनी मेहनत कर रहे हैं और हम बारिश इंजॉय कर रहे हैं और सक्षम टीवी देख रहे हैं। तो मौसम बहुत बढ़िया हो गया। उनको गर्मी हो रही थी ना ज्यादा, वो कम हो जाती थी। बादल की आवाज सुनो। देखो मैंने वहाँ पे प्लांट बनाया, मेरे स्कूल से एक्टिविटी मिली थी। बहुत ही अच्छा काम किया। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त शिप्रा आ गई हूँ फिर से नई वीडियो के साथ में। और देखो आज मैंने अपने ये वाले जो क्या बोलते हैं इसको, वायरलेस यूज़ कर रही हूँ और देखते हैं आज वॉइस क्वालिटी कैसी आती है। और अगर आप लोगों को इसका रिव्यू चाहिए ना तो मैं आपके लिए डाल दूंगी, आप लोग कमेंट करना अगर आप भी एक अच्छा ढूंढ रहे हो, है ना। अभी मैं देखती हूँ ट्राई करके कि इसका मुझे इफेक्ट क्या रहता है। अभी कैमरा अगर दूर लगाऊंगा फिर भी बोलूँ तो आवाज़ क्वालिटी, वॉइस क्वालिटी, आवाज़ क्वालिटी तो हूँ तो टिपिकल इंडियन ना, तो बोलूँगी वही चीज़ें कैसी आती है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स मेरे चैनल के नीचे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं कि कौन सा माइक यूज़ करती हूँ, माइक यूज़ नहीं करती हूँ। बट इससे ये बेनिफिट रहेगा कि फ़ोन अगर दूर रख रही हूँ ना, देखो यहाँ पे रखती हूँ, वहाँ से बात करके देखती हूँ कि आवाज़ कैसी आती है ना, तो उससे मेरे लिए बॉय दोस्तों तो ट्राई करते हैं, दूर जाके बात करती हूँ, देखती हूँ आवाज़ कितनी अच्छी आ रही है। तो इस चीज़ से ना मुझे लगता है बहुत से लोगों को हेल्प मिलेगी, क्योंकि मैं भी बहुत कंफ्यूज रहती थी कौन सा माइक यूज़ करूँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। अभी मैं ये थोड़ा ट्रायल के लिए शूट कर रही हूँ और ये वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि हम यूट्यूबर्स का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि वॉइस ओवर डालते हैं, उसका भी प्रॉब्लम रहता है। तो देखते हैं कितना अच्छा क्वालिटी आ रहा है। और उसके बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डालना। हैप्पी अर्थ डे। और देखती हूँ अपनी आवाज़ सुनती हूँ आई कितनी है। मैं तो इस प्रोडक्ट के लिए थम्स अप करती हूँ, मुझे तो ये बहुत ही सही लगा और मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। क्योंकि मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि मैं वॉइस ओवर बहुत डालना पड़ता है, अभी काम करते रहो वीडियो शूट करते रहो तो एक टास्क कम हो जाएगा, ऊपर से वीडियो भी अच्छी आएगी, है ना। तो ये बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि हम जब काम करते करते कोई वीडियो शूट करते हैं तो बहुत मज़ा आता है। और अगर आपको चाहिए फिर से कह रही हूँ तो मैं आपके लिए डाल दूँगी, लेकिन अगर कमेंट करोगे तभी डालूँगी, नहीं तो नहीं डालूँगी नेक्स्ट वीडियो में। और मैं अपनी हाउस क्लीनिंग कर रही थी और वेदर बहुत ही बढ़िया हो रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ तो कितना अच्छा वेदर हो रहा है। सक्षम को तो एक ही काम है, टीवी देखने का मज़े ले रहा है सोफे पे, जब से सोफा आया ना सोफे पे ही पड़ा रहता है, टीवी देखता है। और वेदर देखो कितना अच्छा हो रहा है। तो मैं हाउस क्लीनिंग करने लग रही थी, अभी मॉपिंग नहीं हुई है घर में, और मॉर्निंग में काफ़ी सारी वेजिटेबल्स लेकर आई थी, उनको वॉश करके जगह पे लगाना है। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि वीकेंड स्टार्ट हो गया है ना, तो वीकेंड पे ना हर जगह सब जगह क्या हो जाता है, लॉकडाउन स्टार्ट हो जाता है। तो लॉकडाउन स्टार्ट हो जाता है तो उसके लिए चीज़ें पहले से ही परचेस करके रख लो तो ठीक रहता है, नहीं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है ना। तो मैं भी थोड़ी वेजिटेबल्स परचेस करके ले आई थी, तो घर में सब्जियां पड़ी रहें तो टेंशन सी नहीं रहती है ना, कुछ भी बनाते रहो। और ये पूजा के कुछ बर्तन है, इनको क्लीन करके रखूंगी, देखो कितनी काली हो गई मेरी जोश, और इनको सबको साफ करके रखूंगी। तो अभी पहले पैकिंग करनी है और बारिश हो रही है काफ़ी। तो आप लोग भी ऐसे ही करते हो क्या वीकेंड पे? क्योंकि अब तो यही करना पड़ेगा, क्या करें, मजबूरी है इंसान की। और अच्छा भी है ना कि जल्दी जल्दी ये शुरू हो जाएगा तो फिर से ही ये केसेस कम हो जाएंगे। और कल के वीडियो पे एक कमेंट आ रहा था एक ब्रदर का, उनका किडनी ट्रांसप्लांट होना है तो उनका भी डिले हो रहा है, उनके अभी प्रोसेस भी कंप्लीट नहीं हुई है, अभी उनकी टेस्ट वगैरह भी नहीं हुए, SDM के ऑफिस में जाना, ये सब काम उनका रह रहा है, क्या करें। मतलब दुर्भाग्य हम इंडियंस का कि अगर हम लोगों के साथ में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हम लोगों को इतना फेस करना पड़ता है, मतलब कोई मतलब ऐसा कोई सपोर्ट नहीं रहता है ना। पता नहीं, बहुत से लोग देख रही हूँ मैं यूट्यूब पे, कितने सारे ऐसे मिल गए जो इस चीज़ को लेकर बहुत सफ़र कर रहे हैं, कोई ऐसा सपोर्ट नहीं है इंसान जिससे इसको निकलने का रास्ता मिल सके। मैं सोचती हूँ कि मैं ही अकेली परेशान हूँ, लेकिन एक आम आदमी के लिए सब चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती हैं। तो उनका प्रोसेस भी अटका हुआ है। और ये चीज़ें, मेरी एक फ्रेंड का कमेंट आया था कि आपका इतने डिले क्यों हो रहा है, यार ये डिले इसीलिए हो रहा है बीच में ये कोरोना और बीच में इलेक्शंस, इसकी वजह से कितने लोग नहीं मिल पाते हैं। और देखो बहुत चीज़ें मेंटेन करके चलनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, हर एक चीज़ मैं यूट्यूब पे बोल भी नहीं सकती कि डिले क्यों हुआ क्यों नहीं हुआ, हर चीज़ का अरेंजमेंट, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो बस वही, और अभी दिखाती हूँ क्या क्या सब्ज़ियाँ लाई हूँ और मैं सब्जियों की परचेसिंग करती कैसे हूँ।
तो हर एक चीज़ को ना अगर आप दिमाग लगा के करोगे तो आप परफेक्ट हाउस वाइफ बन पाओगे, और वो ज़रूरी है करना। तो अभी मैं काफ़ी सारे खीरे लाई हूँ, आलू लाई हूँ। तो खीरे सक्षम को खाना पसंद है, खीरे को सक्षम हमेशा कहता है मम्मा ज़्यादा खीरे लाया करो, तो उसके लिए ज़्यादा खीरे लाई हूँ। लाइट ऑन कर लिए, और ये मेरा टूट गया कल, देखो इसका वीडियो दिखा रही थी ना कल ये बनाते हुए, तो ये टूट गया बेचारा। ऑनलाइन इसको सर्च कर रही थी कोई ढंग का सा मिल जाए, क्योंकि मेरे हस्बैंड के लिए बहुत यूज़फुल प्रोडक्ट है वो, सैंडविच ना इसके बिना बना हुआ नहीं खाते, उनको एकदम क्रिस्पी सैंडविच चाहिए होता है, और कभी कभी उनको खाने का मूड नहीं होता तो वो सैंडविच खा लेते हैं। तो परचेस करूँगी, ऑनलाइन सर्च कर रही हूँ। तो देखो सब्जियाँ क्या क्या लाई, कल मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ली, मतलब कुछ देख ही ली तो नहीं, कुछ कहीं ज़रूरी काम से कहीं गई थी तो सोचा आते हुए ये सब भी देख लेती हूँ। तो सब्जियाँ अभी मैं वॉश करके रखूँगी, इसमें काफ़ी सारा हरा धनिया है, पुदीना है, पुदीने की चटनी मुझे खाना अच्छी लगती है, हरी मिर्च हैं, ये तीनों चीज़ें सिर्फ वही हैं। इतनी ढेर सारी लाई हूँ क्योंकि वीक में एक बार मैं चटनी बना ही लेती हूँ। ये लौकी लाई हूँ, लौकी बहुत सारी रेसिपीज़ में यूज़ हो जाती है। पेठा लाई हूँ, तो इस तरह की जो सब्ज़ियाँ हैं लौकी पेठा, और तो पता है अगर आप कोई रेसिपी बना रहे हो तो उसमें यूज़फुल हो जाती है। जैसे आप अगर पाव भाजी बना रहे हो, है ना, पाव भाजी बना रहे हो, आप सांभर बना रहे हो, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो खीरे करेला सब्जियाँ दिखा रही हूँ, ठीक है। और आलू लाई हूँ 5 kg, आलू को वॉश करके रख दूँगी, और इसमें भी सब्जियाँ बड़ी पड़ी हैं, आलू प्याज। तो घर पे रहेंगे तो यही करेंगे और क्या करेंगे, सब्जियाँ वॉश करके रखेंगे, बनाएंगे, खाएंगे वीकेंड पे। और लास्ट ईयर मुझे याद है कि जब ये आया था ना लॉकडाउन, तो नई नई खूब रेसिपी ट्राई की थी, और कभी कभी लगता है कि कुछ ज़्यादा ही ट्राई कर ली थी, तो इस बार इतना पागलपन नहीं करेंगे, लेकिन मज़ा आता है अपने आप ही कुक करने में। एक तो पता है, एक कभी लॉकडाउन का नाम आ जाता है और कोरोना बढ़ जाता है ना, तो दिमाग में एक प्रेशर सा आ जाता है ना, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कुछ अजीब सा होने लगता है। जब तक हम लोगों को ये रहता है कि हाँ हम लोग फ्री हैं और कुछ भी कर रहे हैं, तो मतलब इतनी टेंशन नहीं रहती, लेकिन जब ये लगता है ना कि हाँ कहीं जा नहीं सकते, चाहे वैसे ना जा रहे हो, तो एक अलग सा प्रेशर आ जाता है दिमाग पे। तो मुझे तो ऐसा लगता है, आप लोगों को लगता है नहीं कमेंट करके बताना। तो बहुत सारा अदरक, और हाँ दोस्तों इस टाइम काली मिर्च का यूज़ काफ़ी करो, ब्लैक पेपर का यूज़, इम्यूनिटी बूस्टर होता है, लेमन का यूज़ करो, मैं लेमन वगैरह सब लाई हूँ तो अच्छा रहेगा आपके लिए, है ना, इम्यूनिटी तो अच्छी होनी चाहिए। विटामिन सी को सब लोग कह रहे हैं कि विटामिन सी ज़्यादा अच्छे से यूज़ करो, यही करेगा इंसान बेचारा और क्या करेगा। और देखो हम लोग तो घर पर बैठते हैं, बट मेरे हस्बैंड को तो डायलिसिस पे भी जाना पड़ता है, और बहुत प्रिकॉशंस लेके जाते हैं वो, लेकिन क्या करें, जो ट्रीटमेंट है वो तो कराना ही पड़ेगा। और पहले मैं बहुत नर्वस थी और बहुत उदासी रही 3-4 दिन, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि हमारी सर्जरी डिले हो गई, और बहुत टेंशन सी हो रही थी इसकी वजह से ना, बहुत ही डिप्रेस ही रही, उदासी बैठी रही। फिर मैंने सोचा कि जो भी होता है इस लाइफ में अच्छे के लिए होता है, इसमें भी ईश्वर का कुछ अच्छा ही होगा कि डिले हो गई, है ना। सबसे पहले ज़रूरी तो सेफ्टी है, क्योंकि अभी सभी जगह ना जो भी मेजर सर्जरीज हैं बंद हैं, बड़ी सर्जरियाँ बंद हैं, कोरोना की वजह से कोई ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं था हॉस्पिटल्स में, डॉक्टर्स भी इसमें क्या कर सकते हैं, है ना। चलिए जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, उस ऊपर वाले ने जो भी सोचा होगा हमारे लिए अच्छा ही सोचा होगा, ईश्वर ने, उसी के भरोसे सबकी ज़िंदगी चलती है ना, और उससे ज़्यादा हम उनके बच्चे हैं तो हमारा उनसे अच्छा और कौन सोच सकता है। तो काफ़ी दूर रख के आज बात कर रही हूँ, और मतलब ऐसा नहीं है कि वीडियो जानबूझ के इस तरह से मैं आज ये बना रही हूँ, ये देखने के लिए कि वीडियो की वॉइस क्वालिटी कैसी आती है, अगर आप लोगों को ठीक लगती है, क्योंकि यूट्यूबर्स का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि माइक खरीदो क्या खरीदो, उसमें वायर रहती है, कितनी सारी टेंशन, तो ये आवाज़ कैसी कैच कर रहा है, कैसा इससे मुझे मिलेगा आउटपुट, ये बाद में पता चलेगा। तो ये सब्जियाँ वगैरह मैनेज करनी है, इनको डिवाइड कर देती हूँ, पहले कौन सी वॉश करनी है और कौन सी अलग रखनी है, तब काम करेंगे। तो मेरा काम तो ऐसा होता है सेक्शंस में डिवाइड करके तब करती हूँ, तो मेरा सिर पे प्रेशर रहता है कम। तो चलिए काम शुरू कर लेती हूँ दोस्तों, बेडरूम में और सब्जियाँ वॉश करके आई हूँ अभी। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ, कल मैंने कुछ परचेसिंग करी थी, तो क्या किया, और ये परचेसिंग किसी ओकेजनली नहीं करी है, सिर्फ इससे कि लॉकडाउन वापस आ रहा है, और पिछली बार मेरे बच्चों के गर्मियों का एक भी कपड़ा नहीं आया था, तो मतलब आप समझ सकते हो, क्योंकि बच्चों के कपड़े बहुत जल्दी छोटे होते हैं तो कितनी प्रॉब्लम हो जाती है। सक्षम का ये लोअर वगैरह लाई थी मैं, और मैं आपको देखो मेरा लोअर नहीं हूँ, हाँ पीछे हो जाओगे एक बार बेटा। तो मैं ट्रेंड्स से लाती हूँ, ट्रेंड्स में ना सारी ब्रांड आपको मिल जाती हैं, दूसरा ऑफर बहुत अच्छा चलता होता है। कल एक ऐसा ऑफर मुझे मिल गया कि मेरी लॉटरी लग गई सच बताऊँ तो वहाँ पे ऐसा ऑफर चल रहा था कि आप जितनी भी शॉपिंग करोगे ना उस पर 50% ऑफ, मतलब आपका जो बैलेंस बना है ना, मतलब आपको जो बिल बना है
उस पर 50%, मतलब अगर आपने 5,000 की शॉपिंग की है तो उस पर आपको 50% ऑफ, यानी आपको 2,500 रुपये देने हैं। तो देखो बहुत अच्छा ऑफर मुझे मिल गया, और कभी कभी मिलता है, और कल रात 12 बजे तक वैलिड था वो, और आई डोंट नो कि आज भी चल रहा है क्या। तो आपके पास में अगर कोई रिलायंस ट्रेंड्स है तो आप वहाँ पर जाके ट्राई कर लो, है ना। तो बहुत अच्छा ऑफर, उसके साथ में फिर कूपन भी मिलते हैं 500 के, वो भी मुझे मिले हैं, बट आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो कूपन मैंने यूज़ किया हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ जिससे आपको आइडिया हो। और मैं ट्रेंड्स से शॉपिंग करती क्यों, ये टी शर्ट्स वगैरह मेरी अधिकतर ट्रेंड्स की होती हैं, बहुत ही कम प्राइस में और बहुत अच्छी कॉटन की मिल जाती है। सब रुक जाओ बेटे प्लीज, ये लोअर भी मैंने वहीं से लिया था, मेरे पास कोई लोअर नहीं हो रहा था ढंग, क्योंकि और मुझे घर में लोअर टी शर्ट पहनने में ही आराम मिलता है, और मैं हस्बैंड के भी लोअर लाई थी, और वहाँ पे ऐसा नहीं है नॉन ब्रांड थे। दिखाती हूँ सबसे पहले अपने लोअर्स दिखाती हूँ जिससे आपको आइडिया हो। तो देखिए ये लोअर वैसे इसका प्राइस लगभग ऐसे था 500 ईच, और एक इसमें से 300 कुछ का भी है, लेकिन जो कॉटन है वो काफ़ी अच्छी है, और तो आप समझ सकते हैं लगभग 250 रुपये का लोअर मिल गया। तो 250 रुपये का लोअर तो बच्चों की टी शर्ट भी नहीं मिलती यार, और बहुत अच्छा है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैं ट्रेंड्स से अधिकतर शॉपिंग करती, मेरी कुर्तीज़ भी अधिकतर वहाँ की होती हैं। देखो बहुत रीज़नेबल प्राइस में, और कभी कभी बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, कपड़ा इनका काफ़ी अच्छा है, एक मैंने इसका पहना भी हुआ है, और ऐसा एक मेरा सर्दियों का भी है, बट ये गर्मियों का भी, मुझे सेम ही कलर मिला, एक पर्पल कलर में ले रही थी बट वो मेरे को मिला नहीं, और एक ये ब्लैक है, और इसमें ये कौन सा कलर था, नियॉन कलर की इसमें पट्टी सी आ रही है, और इनकी फिटिंग भी बहुत अच्छी है, और इनका फैब्रिक भी बहुत अच्छा है, आपको दिखाती हूँ। सुंदर लग रहा है ना, देखो कैसा लग रहा है, आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट करके बताना दोस्तों। तो अगर ये वैसे शॉप से मैं कहीं से लेने जाती तो 500 या 600 से कम एक लोअर कभी नहीं मिलता मुझे, लगभग 200 के मेरे को मिल गए हैं। तो कभी कभी बहुत अच्छा ऑफर चल रहा होता है। लास्ट ईयर मैं गई थी तो मैं शॉपरेक्ट मॉल से लाई थी इसको, और बिल्कुल मास्क पास लगा के गए थे, क्योंकि उसके बाद तो अब जाना वैसे भी नहीं होगा, और जो जरूरी चीज़ें हैं वो तो चाहिए यार इंसान को, उसके बिना थोड़ी ना गुजारा हो जाएगा। और ये श्रीजा ने एक फ्रॉक परचेज की थी वहीं से, तो ये भी बहुत सही रेट में पड़ गई है। पीछे हो जा, सक्शन के लोअर्स भी लाई थी, सक्शन के इस टाइप के लोअर लाई थी, देखो कितने स्मार्ट और कितने अच्छे, इसमें से रेड सक्शन ने पहन भी रखा है, तो ये भी मुझे ऐसे ही पड़ गए। मतलब आप ये सोचो कि अगर 5,000 की आपने शॉपिंग की है तो आपको 2,500 ही पे करना पड़ रहा है, तो ये तो बहुत अच्छा ऑफर मेरे को पड़ गया, और मैंने सोचा चलो आप लोग को बताती हूँ, आपका अगर नियर कोई शॉप है ऐसी तो आपको भी इजी रहेगा। एक ये सक्षम की टी शर्ट लाई हूँ, और ये टी शर्ट इनके प्राइस में आपको बताऊँ बहुत ही कम है, मतलब आप इतना इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। और ये वाली टी शर्ट ऐसा नहीं है कि मैं अभी लाई हूँ, ये हर बार मिल जाती है मेरे को, और क्वालिटी इनकी काफ़ी अच्छी होती है। किसी और शॉप से मैं मार्केट में लेने जाती हूँ तो मुझे ये काफ़ी महंगी पड़ती है, बट ये 200 की पड़ जाती है वहाँ पे, तो 200 में तो वैसे भी कुछ मिलता नहीं है, और इसकी कॉटन एकदम सॉफ्ट, और ये बड़े वाली भी ऐसे मिल जाती है, कैन यू इमेजिन। वर्कआउट चल रहा है हमारा तो, और द क्लीन है बस, बच्चों ने ऐसे ही फुला दिया, और सीजा लगा रही है बच्चा, अरे सब्जियां, और मैं कर रही हूँ मुरमुरे फ्राई, और सारी वेजिटेबल्स बहुत रखी हैं, सब साफ रखा है, तो ये मुरमुरे फ्राई करके हम बनाएंगे चाट, इसकी रेसिपी आपके साथ में करेंगे शेयर। सो ये मुरमुरे मैं थोड़ा फ्राई कर लूँगी, फ्राई में इसलिए करने हैं जिससे थोड़े से क्रिस्पी से हो जाएं, थोड़े क्रंची से हो जाएं। सक्षम श्रीजा को सफाई का बहुत सवार है, दोनों मम्मी की हेल्प कर रहे हैं, और ये हेल्प इसलिए हो रही है ताकि इनकी ये रेसिपी बन जाए, मैं किसी को डांटूँ ना, और पापा और दोनों बच्चे तीनों की मिलके ये प्लानिंग होती है इन तीनों की। तो मैं मुरमुरे फ्राई करी, उनको थोड़ा सा करारा कर लूँगी, उनको करारा करने के बाद मैं नहाने चली गई, थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ दिया, इसके बाद जो हम करेंगे ठंडा होने के बाद करेंगे, गर्म मुरमुरे में कुछ भी मिक्स नहीं करेंगे। तो श्रीजा देखो मॉपिंग कर रही है, और इस वाले मॉप का यही फ़ायदा है कि अगर कुछ गिर जाए या गीला हो रहा है तो कोई भी मॉपिंग कर सकता है। अभी ये ठंडे हो गए थे, इतना मैं नहा के आई, तो इसमें खीरा प्याज टमाटर सब बारीक बारीक कट के करके डाल दिया, और जो चने की दाल वाली नमकीन होती है ना पैकेट में, भी आपको दिखाऊंगी, वो भी इसमें डाल लिया, थोड़ा लेमन डाल लिया, लेमन हस्बैंड के लिए नहीं डाला, उन्होंने अपना अलग निकाल लिया था चने की दाल के, थोड़ी चाट मसाला डाल लिया, और इन सबको मिक्स कर लिया, थोड़ी ग्रीन चिली भी कट करके डालूंगी, थोड़ा हरा धनिया कट करके डालूंगी, तो ये बहुत टेस्टी अच्छी रेसिपी बन जाती है, और इसमें आपको मेहनत भी नहीं करनी, मतलब कभी आप छोटा मोटा स्नैक खाने का मन कर रहा है ना तो उसके लिए एक अच्छी रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि मेरे यहाँ तो ये जब भी बारिश का मौसम हो या कुछ चटपटा खाने का मन हो और कुछ मेहनत करने का भी मन ना हो तो ये बनता है। और देखो इसमें धनिया भी डाले, और हरी मिर्च का टेस्ट इसमें बहुत ही बढ़िया आता है, और लेमन का। तो बस अब हम लोग करेंगे इंजॉय, श्रीजा को भी बड़ा अच्छा लग रहा है, आप भी ज़रूर ट्राई करना, और आई थिंक बहुत सारे लोग ये बनाते होंगे,
बहुत ही जबरदस्त रेसिपी है, बच्चे बहुत खुश होकर खाते हैं। आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों, और अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। और कल मैं देख रही थी एनालिटिक्स में जाके, देखते हैं ना कि आपको व्यूज कहाँ से ज्यादा मिल रहे हैं, तो मैंने उसमें देखा कि मेरी वीडियोस अनसब्सक्राइब लोग ज्यादा देख रहे हैं, मतलब जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रखा, यानी आप लोग मुझे देख तो रहे हो बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और बहुत से लोगों को पता नहीं होता कि सब्सक्राइब कैसे करते हैं चैनल को। तो जो आप मेरा चैनल खोलते हो उसके नीचे आता है सब्सक्राइब रेड कलर से लिखा हो, तो आप उस पर क्लिक करोगे तो ब्लैक हो जाएगा, और उसमें बेल आइकन आएगा तो विद बेल करना, ऑल पे क्लिक करना, जिससे जितनी भी नोटिफिकेशन मेरी वीडियोस आती हैं सबकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम, और आप वीडियो को एंजॉय कर सको दोस्तों। और देखो मैं ये सब चीज़ें शेयर क्यों करती हूँ आप लोगों के साथ में, शॉपिंग करती हूँ, कहीं जाती हूँ, कुछ खाती हूँ, कुछ बनाती हूँ, कुछ पहनती हूँ, वो इसलिए क्योंकि एक दूसरे की नॉलेज शेयर हो सके ना। तो मैं भी बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं उनके चैनल्स को देखती हूँ, उससे मुझे आइडियाज़ मिलते हैं ना कि शॉपिंग कहाँ से बेस्ट होती है, कहाँ पे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो अपने अपने मतलब एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं तो नॉलेज मिलती है हर एक चीज़ की। तो बस यही मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे ब्लॉग से भी आपको कुछ नॉलेज मिले। तो चलिए कल को नई वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, बहुत सारा प्यार आप सबको। मौसम चेंज हो रहा है, अपनी सेहत का ध्यान रखना, हेल्दी खाना और फ्रेश खाना बिल्कुल, ठीक है, बाय बाय।